Uh, मैं डॉक्टर एन के सिंह चेयरमैन आर एस एस झारखंड और एडिटर सी एम इंडिया डॉट इन एक यूनिक मैसेज जो पब्लिक को अभी ज़रूरत है वह यह है कि सभी को पता है कि भारत में अभी बहुत ही तेज़ी से डायबिटीज का प्रकोप बढ़ रहा है एक महामारी के तौर पे यह हो रहा है अगर आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो ये पता चलता है कि अभी बहुत कम उम्र के लोगों को जैसे कि 20 से 30 साल के लोगों को ये शुगर खासकर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है मैं अपने ही क्लिनिक में हैरान रहता हूँ कि जो गाँव से जो लोग आते हैं जो गाँव के यूथ हैं वो अचानक चार सौ पाँच सौ लेकर शुगर आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इनको क्यों हो रहा है वो बोलते हैं कि हमारा खाना भी ज़्यादा हाई कैलोरी युक्त नहीं है और गांव का जो फिर भी बेहतर खाना जो जिसमें कि फाइबर है या जो ट्रेडिशनल फूड है वो ले रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो खेतों में काम भी करते हैं फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं तो ऐसे लोगों को क्यों डायबिटीज़ हो रहा है कई केसेज में हमने पाया कि उसमें उनकी फ़ैमिली हिस्ट्री भी नहीं है तो ये लगता है कि केवल दो थ्योरी पर अगर आप हम चलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी से डायबिटीज़ हो रहा है या फास्ट फूड कल्चर के कारण डायबिटीज़ हो रहा है तो यह पूरा का पूरा सच नहीं दिखाई पड़ रहा है आज के समय में इसलिए अभी एक आर एस डे की जो टेक्स्ट बुक इस साल की निकली है मैंने एक चैप्टर भी कंट्रीब्यूट किया है पोल्यूशन एंड डायबिटीज़ पर तो इसमें जो थ्योरी ये आ रही है कि जो 2006 में डॉक्टर ली का एक शोध आया था उसमें उन्होंने क्लियर कट दिखाया था कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट्स हैं जो खासकर अगर आप समझने की भाषा में इसको समझें तो जो कीटनाशक का हम यूज़ करते हैं या जो केमिकल्स हमारे आसपास हैं जैसे कि अगर आप जो पानी पीते हो अभी जो बोतल अभी जो जिस तरह का है पीने का जो हमारा सामान है बच्चे जो अभी जो पानी पीते हैं उसके अंदर जो प्लास्टिक्स हैं इन सब चीज़ों में ऐसे कुछ केमिकल्स पाए गए हैं जिनका कोरिलेशन अभी क्लियर कट डायबिटीज के होने में हो रहा है इसे हम इंडोक्राइन डिसरप्टर बोलते हैं ये हमारे बीटा सेल को काम नहीं करने देते हैं तो ये बहुत बड़ा एक विषय है अभी भारत के लिए कि इस पर अवेयरनेस किया जाए जो कि मैं देखता हूँ कि टोटली लैक हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक ज़रूर इस पर कुछ इनिशिएटिव चालू किया है और उन्होंने ये बताया है कि हम किस तरह से पर, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट्स का लोड कम कर सकते हैं इसके लिए जैसे जो सब्जी आप लाते हैं खरीद कर उसको तीन मिनट किस तरह लिक वार्म वाटर में धोना है या उसमें विनीगर डाल के रखना है थोड़ी देर या जहाँ पे शक हो वहाँ के उसके छिलके जिसे सेव हैं खा रहे हैं उसके छिलके को हटा के खाना है इस तरह के कुछ कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हम इस केमिकल के लोड को कम कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है दूसरा नॉइज के कारण भी अभी डायबिटीज हो रहा है इसका भी अभी पुख्ता प्रमाण कुछ कुछ मिलना चालू हो गया है एयर पोल्यूशन से तो लिंक हो ही चुका है तो लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आर आर एस जैसी संस्था को इस पर अफसोस की ज़रूरत है कि केवल खाने पीने ग्लूटोनी और फिजिकल एक्टिविटी की कमी को लेकर हम डायबिटीज़ के साथ जो जंग हो रही है जीत नहीं सकते हैं ये और जो फैक्टर्स हैं उसको कंट्रोल की करना बहुत ही जरूरी है तो इस पर लोग अवेयर हों मेरे इस वीडियो का यही उद्देश्य है